हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अबरार, हाफिज रहीब, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शुरू करूं? अबरार वगैरह का था ना, 12 ग्रुप 12। सर अब में ही हूँ, अच्छा अब बात हाँ, कर। एक मिनट अबरार, सब आ जाए पहले। हेलो ओके सर, मैं होस्ट बना दूँ, तुम खुद एंटर करते रहो उसमें। एडमिट। सर मुझे मत बनाए। अच्छा ठीक। अबरार अबरार आपके ग्रुप में कौन कौन है? सर, दाऊद दाऊद इब्राहिम और मैं। दाऊद इब्राहिम। अरे जी सर। भाई, तुम्हारा नाम बड़ा खतरनाक है यार। सर थैंक यू सर। बस ये नाम के ही है। वांटेड है ये? नहीं यार, पाकिस्तान के लिए तो वांटेड नहीं है। अबरार, तो पूरा मजाक नाम कर रहा हूँ क्या भाई हमारे। है? जी सर, पूरा नाम क्या है? अबरार, अबरार से, मोहम्मद अबरार अबरार सिद्दीकी। सिद्दीकी। अच्छा, और दूसरे दाऊद जी सर, मोहम्मद दाऊद इब्राहिम सिद्दीकी। इब्राहिम सिद्दीकी। अच्छा, और तीसरे कौन है आपके? सर हम दो हैं सिर्फ। दो ही है? जी सर, अच्छा, तो ये कौन लेटे हैं? शेख मोहम्मद शायान। अच्छा, मैं आपको फिर वो बना दूं होस्ट। सर दाऊद को बना दे सर, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो वो ऐड करते रहेंगे। मैं स्क्रीन खोला हुआ हूँ सर। नहीं तो जो जिसको होस्ट बनाऊंगा वही स्क्रीन शेयर कर सकता है बस। बना दे, अबरार को बना दे, बना दे। हाँ मुझे बना दे सर। एक मिनट। ठीक है, शुरू करूँ सर? सर शुरू करूँ? हाँ बिस्मिल्लाह करें। ओके सर। सर आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी हो गई, इसको बड़ा कर ले स्क्रीन, अगर बड़ी हो सकती है तो। सर वो तो कर रहा हूँ मैं, बस स्क्रीन पूछ रहा था तो शो हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारा टॉपिक जो है प्रपोजल पे है, प्रपोजल एंड कंप्लीमेंट एक्सेप्टेंस प्रपोजल। आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है इसमें। तुम लोगों ने फिर गलती की, टॉपिक सही लिखा है ठीक है, सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है इसमें। अबरार, दूसरी मिस्टेक। जरा सब्जेक्ट अच्छा, यहाँ लिखा है पूरा, आगे आगे करो। जी सर, ठीक हाँ यहाँ ठीक है, ठीक है, अब सही है, ये सही है। है सर। सर हम दो टीममेट्स हैं, मेरा नाम मोहम्मद अब्रार सिद्दीकी है सर, मेरे टीममेट का नाम मोहम्मद दाऊद इब्राहिम सिद्दीकी। ग्रुप का नंबर, नेक्स्ट स्लाइड ग्रुप का सर। नंबर नहीं डाला है इस पे अबरार? सर ग्रुप ग्रुप का नाम सर हाँ तो ग्रुप का नाम डालना था ना, जो ग्रुप मैंने आपको दिया था। 12 नंबर था वो। हाँ तो वो डालना था। और फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर साइंस के, मुझे क्या पता, सर ये सब भी लिखना था। ये सब लिखेंगे ना आप, ये तो चलिए सर, वो चीज़ें। मैं आपको चलो एडिट करके दे दूंगा आपको मैं। ठीक अच्छा ठीक है, ठीक है सर, है। चलो शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर। एक मिनट, मैं दो लोगों को ऐड कर दूं। हाँ कर लो, उनको पहले ऐड कर लो, फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। सर टू राइट अ प्रपोजल यू आर गोइंग टू नीड सर, हमें प्रपोजल सबसे पहले राइट करने के लिए सर हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि टॉपिक क्या है आपका? एमएस वर्ड। प्रपोजल एंड, टॉपिक सॉरी सर। क्या है? प्रपोजल एंड इफेक्टिव प्रपोजल। ठीक जी सर, है, हमें पहले प्रपोजल लिखने के लिए एक पूरा क्रिशियल स्किल चाहिए होता है, ऑक्यूपेशन, मतलब इस पे हम लिखते हैं, अब असाइनमेंट के प्रपोजल लिए क्या यूज किया होता है? जाता है सर। प्रपोजल किसी चीज की क्या नाम है, रिक्वायरमेंट बताना या कि हमें क्या चाहिए, प्रपोज करना किसी चीज के लिए, ठीक है, मतलब सर प्लानिंग प्लानिंग कह लें आप। किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग होती है उसकी, तो वो उसका प्रपोजल प्रपोजल क्या कराता है। है। जी सर, चले आगे। सर राइटिंग अ गुड प्रपोजल इज अ क्रूशियल स्किल, ये मतलब प्रपोजल लिखना एक बड़ी स्किल है, और सर ये हम इसलिए यूज किया जाता है, असाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है सर, हमारे जो हमारा
ऑक्यूपेशन तो उसमें यूज किया जाता है, और सर ये सब उसमें यूज होते हैं। सर नेक्स्ट जो है, सर आपने मुझे होस्ट बना दिया, बार-बार रिक्वेस्ट आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बात आगे। सर प्रपोजल के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट यू विल नीड टू राइट अ प्रपोजल, यू आर गोइंग टू नीड सम फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन टूल। सर हमें प्रपोजल लिखने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक टूल्स चाहिए, जिसमें हम लिख सकें एमएस वर्ड हो या एमएस पब्लिशर हो या एडोबे इन डिजाइन सीसी। और सर इसके लिए हमें सबसे पहले मेक श्योर होना पड़ता है कि हमारे वेरिएबल्स के फॉन्ट सही होने चाहिए, और फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आपको किस पे, मतलब आपके पास जो जिस पे आपको प्रपोजल बनाना है उसका डेटा गैदर हुआ हुआ या नहीं। ठीक है सर, सही। और सर मतलब और राइटिंग से पहले आपके पास क्या कहते हैं सर, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होनी चाहिए, मतलब किसी ने आपको लिखने के लिए दिया हुआ है वो आप लिखेंगे इसमें सर, मतलब जब तक आपको रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगी आप खुद प्रपोजल नहीं बना सकते सामने वाले के नहीं, रिक्वायरमेंट के। रिसर्च प्रपोजल भी होते हैं, रिसर्च प्रपोजल होते हैं, रिसर्च प्रपोजल होते जी सर होते हैं वो भी, तो उस वो तो किसी रिक्वेस्ट पे नहीं होते सर, वो लाइन इसमें ऐड नहीं की हुई, इसमें बताया जाएगा अगर इसमें मजीद और लोग भी दे सकते हैं, ये कहना चाह रहा था सर मैं। ठीक है आगे सर प्लानिंग, सबसे पहले सर प्रपोजल बनाने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है किस तरह हम प्रपोजल बनाएंगे। ठीक है सर, इसमें कुछ स्टेप्स आगे आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इसमें जो सर बताया, डिफाइन योर ऑडियंस एंड थिंक अबाउट व्हाट दे माइट ऑलरेडी नो अबाउट प्रपोजल। सर सबसे पहले आपको अपने ऑडियंस को बताना होता है कि आप प्रपोजल में क्या बनाएंगे, और उनको ऑलरेडी बताना चाहिए कि आपके प्रपोजल में क्या होगा। यू डोंट वॉन्ट टू समराइज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। सर एक मिनट में ऐड कर दूँ। तो आपके प्रोजेक्ट में क्या होगा, और सर हम इसे समराइज नहीं कर सकते, मतलब फुल डिटेल में देना होता है प्रपोजल, जितना डिटेल हो उतना, मतलब डिटेल भी हो मत, लेकिन अनवांटेड चीज़ें ना हो सर, जितना क्रूशियल और डिटेल हो वो अच्छा है, मतलब सारी पॉइंट टू पॉइंट की बातें जो वो भी होनी चाहिए और डिटेल में चाहिए, ज़्यादा फालतू नहीं लिखा होना चाहिए सर, मतलब अनवांटेड चीज़ें ना हो, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात भी हो, सब चीज़ डिस्कस हुई है उस चीज़ में, इसको प्रपोजल कहते हैं। ठीक है सर, इज बेटर टू बी ब्रीफ बट कंसाइज। ये देखें सर इसमें लिखा हुआ है, मतलब सर बड़ा भी हो, मतलब सब चीज़ें डिटेल, बड़ा मीन्स मतलब सब चीज़ें डिटेल में हो, तो कंसाइज व्हेन यू राइटिंग प्रपोजल। ठीक है सर, ये भी सर प्लानिंग प्रपोजल के अंदर ही, मेक अ लिस्ट ऑल दिस क्वेश्चन एंड बी श्योर यू नो आंसर टू ईच बिफोर यू बिगिन राइटिंग। सर ये हमें प्रपोजल लिखने से पहले सर कुछ क्वेश्चन है, इस पर हमें अपना गौर करना चाहिए कि किस तरह से क्या काम करना है। वॉट डज योर ऑडियंस वॉन्ट टू हियर, सर हमारी ऑडियंस क्या चाहती है। Who will be reading the proposal? मतलब कौन रीड करेगा? और सर बेटर डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और सर हमारे क्या प्रॉब्लम समझ में आ गई है जिस पर हम प्रपोजल बनाएंगे। मतलब सर सबसे पहले प्रपोजल स्टार्ट करने से पहले सर हमें सब चीज़ पता होनी चाहिए कि इस पर क्या काम होगा सर, हमारी पब्लिक क्या बना रहे हैं सर, अभी उसका वो प्रपोजल बनाया है, उसका प्रपोजल बनाया है, तो मुझे ये बता दो सिर्फ जस्ट, बाकी मैं लेता हूँ आपसे प्रेजेंटेशन कि जो आप FYP का प्रपोजल बना रहे हैं वो किसके पास करें, इकबाल साहब के पास कर रहे हैं आप लोग? जी सर, इकबाल साहब के पास कर रहे हैं ना? जी सर, सुपरवाइजर हमारे सर इकबाल हैं। सर इकबाल हैं, आप सर इकबाल आपसे कहते हैं एक प्रपोजल बना के लाओ जो तुम मुझे दिखाओ लाके, ताकि मैं तुम्हें काम कराना शुरू करूँ। आप कैसे बनाओगे प्रपोजल, सिर्फ मैं ये पूछूंगा आपसे, ताकि हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ उसमें। सर सबसे पहले तो सर उसके शुरू के जो पेजेस होते हैं वो बनाएंगे। सर इकबाल का कहने का मकसद प्रपोजल, सर इकबाल आपसे पूछें कि प्रपोजल क्या होता है, आप क्या बताओगे सर इकबाल FYP का? सर जिस पे हम काम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी, किस तरह हम उसमें काम करेंगे, वो सब चीज उसकी पूरी डिटेल बतानी है सर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, बस सर डॉक्यूमेंटेशन होगी प्रोजेक्ट की हमारी। अच्छा ठीक है, फिर आप अपने FYP के बारे में बताइए, क्या प्रपोजल है आपका? सर हम एक बेसिकली अपना एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ब्लड सर्विस एप्लीकेशन, जो सर जैसे आपको पता है आजकल कितने लोग नीडी होते हैं ब्लड के, हॉस्पिटल में नहीं मिलता, जिस हिसाब का ब्लड रुपये क्या कहते हैं ब्लड चाहिए होता है, और किससे इतनी जिंदगी के सर लॉसेस हो जाते हैं इस वजह से। ठीक है, वो बताया था फेसबुक पर अक्सर अक्सर सर फेसबुक पर मेरा, जैसे मैं सर डोनर हूँ, मैं देता रहता हूँ, जैसे 3 महीने 4 महीने में दे देता हूँ सर, मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। अच्छी बात, ठीक है। आगे गाने की आवाज़ सुनी आ रही पीछे से? नहीं नहीं मुझे नहीं आ रही, मुझे तो अपने बच्चा जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, उसकी आवाज आ रही है बस। ठीक है सर, सामने वाले घर में सर शादी हो रही है ना, तो वहाँ ये सब चल रहा है। ठीक है आगे।
तो सर मैं क्या कह रहा था आप सर, एक मिनट, बता मैं एक सर 5 मिनट वेट करेंगे, मैं सर आ रहा हूँ, बस एक मिनट के लिए, आप ये दूसरे वाले आवाज को दे समझवा दें, लूँ। दूसरे वाले को दे दें, वो दे देंगे। आओ जरा आना। यस सर, आ गया सर। मैं आप शुरू कर दें यार आगे पढ़ाओ यार, लेकिन मैं आगे कैसे करूंगा स्लाइड्स? यहाँ से दाउद बताओ, मैं आ रहा हूँ एक मिनट में। सर प्लानिंग या प्रपोजल ये होती है कि आप जब प्रपोजल बना रहे होते हैं तो आप सबसे पहले रिसर्च करते हैं कि आपको क्या क्या चीज नीड्स होंगी अपने प्रपोजल के लिए। जब आप वो गैदर कर लेते हैं कि वो गैदर कर लेते हैं कि वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, तो उस हिसाब से हम उसकी प्लानिंग करते हैं। तो हमारा इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है, व्हाट डज योर ऑडियंस वांट टू हियर। ऑब्वियसली बात है, अगर हम एक प्रोजेक्ट पे प्रपोजल बना रहे हैं तो जो हमारी सामने वाली, जिसने हमें मिसाल फॉर एग्जांपल कि अगर सामने वाले ने हमें कोई प्रोजेक्ट दिया है बनाने के लिए सही और है। हम प्रपोजल बना रहे हैं उसके लिए, तो ऑब्वियसली बात है उसने जो हमें हमने उसने जो हमें रिक्वायरमेंट्स दी हुई होंगी तो हम अपने प्रपोजल्स के अंदर उसको हाईलाइट्स करेंगे ताकि हम उसको बता सकें कि भाई हमने आपके अपने प्रपोजल के अंदर आपकी चीज़ें उसमें रखी हैं और हम इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। हु विल बी लीडिंग द प्रपोजल? ऑब्वियसली जो सर प्रपोज कर रहा होगा, या फिर जो ज़्यादातर सर अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या तो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है तो बिजनेस एनालिस्ट होता है, ठीक है। और डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? ये होता है कि सर अगर प्रपोजल के अंदर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मतलब क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं और चीज़ें हम लोग को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करनी पड़ती हैं कि हम प्रपोजल जो है हमारा वो हम किस तरीके से एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ वन है, बेटर डज योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? सर ये भी तकरीबन मैंने पीछे वाले में ही कवर कर दिया इसको, अब मैं इसको चेंज कैसे करूँ सर? उसका ब्रा का इंतजार करते हैं। आ गया सर, मैं भी यहीं। यार मेरे पास भी नहीं है। आ गया हूँ सर मैं। चेंज करो ना भाई, अगर आ गए तो कर दिया दाउद चेंज। हाँ किया, मेरे पास तो प्लानिंग या प्रपोजल ही आ, अच्छा कर दिया सर। ये रिसर्च के बाद लिखा हुआ, आफ्टर कंडक्टेड रिसर्च यू कैन डिफाइन योर सॉल्यूशन। सर ये जब आप रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं अपने जो सामने वाले ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, अगर आपने रिसर्च कंप्लीट कर लिया है तो आप उसके उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो अगर उसने एक रिक्वायरमेंट दिए कि भाई मुझे मेरी कंपनी के ना इतने लोग हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, तो हम उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसके ना एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फिर सर सेकेंड पार्ट में ये होता है, इट इज क्रूशियल इन दिस सेक्शन टू डिफाइन एंड कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट फाउंड इन आरएफपी। सर आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आरएफपी सर होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, प्रपोजल की, यार एक सेकंड मैं बोल लूं या तो आप बोल लो यार। ये बनाई किसने आप दोनों में से, सही से बताना सर? मैंने बनाई अब्राड ने, लेकिन कंटेंट दोनों गए, सोच लो मतलब प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाई है, कंटेंट दोनों गई है तकरीबन, मतलब दोनों ने मिलके मतलब व्हाट्सएप पे ही कॉन्टेक्ट किया था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको चैट शेयर कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे यकीन आ गया, मुझे यकीन आ गया। एक अच्छा एक अच्छा दोस्त वही होता है जो दूसरे दोस्त को बचा ले, है ना अब्रार? नहीं सर मैं बचा नहीं रहा, आप चैट देख सकते हैं, सही बोल रहे हैं। मजाक कर रहा हूं यार, हमने भी गुजारा है अपना स्टूडेंट लाइफ, गुजारी हमने भी। नहीं सर हमने एफआईपी भी हम साथ हैं, आपके टीआरडब्ल्यू में भी हम साथ हैं, मेट्रिक प्रोजेक्ट में भी हम साथ हैं। चलें अच्छी बात है, आगे आगे इसको मुझे मुझे मेन मेन पॉइंट्स बताएं कि प्रपोजल क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एक आम प्रपोजल में और रिसर्च प्रपोजल में क्या फर्क होता है? सर रिसर्च प्रपोजल में ये होता है कि जैसे पीएचडी के अंदर लोग जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जैसे पहले वो अपना प्रपोजल बनाते हैं कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो है क्या, सही गुड, उसके ना वो उसके ना चीजें डिफाइन करते हैं कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखें प्रपोजल का एक बात बताऊं मैं आपको, फर्ज किया आपने एफआईपी का प्रपोजल बनाया था, इसी तरह जब आप इंशाल्लाह मास्टर्स करके फारिग हो जाएंगे, बैचलर करके फारिग हो जाएंगे, फिर आप लोग एडमिशन लेंगे मास्टर पीएचडी के लिए, पीएचडी के लिए जब एडमिशन लेंगे तो आपको जो सुपरवाइजर होगा, हैं सर पीएचडी बहुत हो गया सर,
नहीं करेंगे यार, आप लोग जैसे ही करते हैं इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह चुप रहना दाओ सुन लो। मैं तो कर लूंगा सर मैं। तो उसमें ये है कि देखें, जब आप जब जाएंगे तो आपके जो सुपरवाइजर होंगे वो आपसे कहेंगे कि भाई एक प्रपोजल बना के लाओ रिसर्च का जिस पे तुमने काम करना है। अब उसमें क्या होता है कि प्रपोजल बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एक तो जो अबरार ने बताया कि थीम ऑफ योर वर्क, कि आपने आपका एरिया क्या है और आपने उसको कैसे फ्यूचर के अंदर प्लान करते हुए उसको कैसे कंप्लीट करना है। जी सर, जैसे आपको प्रपोजल ये है कि ब्लड बैंक एक प्रॉब्लम है लोगों को अचीव करने के लिए एट द टाइम ऑफ इंजरी, अगर कोई बेचारा इंजर्ड होता है किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो ये आपका प्रॉब्लम है और उसके लिए आपने प्रपोजल बनाया कि हम अगले पूरे 6 महीने के अंदर या 2 साल के अंदर इस प्रपोजल पे काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह रिसर्च प्रपोजल भी होते हैं। आगे चले, एक मिनट चलो भाई आगे चलो यार। सर इफेक्टिव, सर इफेक्टिव प्रपोजल क्या होता है? अब वेल रिटन प्रपोजल इज द डिटेल्स ईच प्रपोजल। आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी सर, आवाज नहीं आ रही आपको? हल्की हल्की आ रही, हल्की। सर मेरे पास तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। चले अच्छा बताएं। हेलो सर, आप आ रही है आवाज सर की? सही है सही है सही है सर, मैं बता रहा हूँ सर। वेल रिटन प्रपोजल सर जो सबसे अच्छे प्रपोजल रिटर्न करने के लिए, मतलब राइट करने के लिए, इसमें सब कंसाइसली डिफाइन किया होना चाहिए हर चीज को, स्टेप बाय स्टेप चीजें कि आप किस पे काम कर रहे हैं, एक एक चीज एक एक पॉइंट सर एक्सप्लेन किया होना चाहिए, कितने स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं मतलब, और उसमें सर सारे सोल्यूशन डिफाइन होने चाहिए। और सर इसमें दूसरे लाइन है, यूर प्रपोजल शुड रिमाइंड अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट ऑफ देयर पेन्स एंड व्हाई दे बिगिन सीकिंग अ सॉल्यूशन इनिशियली। सर वही सर इसमें सॉल्यूशंस की बात हो रही है, जो भी आपको मतलब प्रपोज किया जाए, जैसे क्लाइंट ने आपको प्रपोज किया है कि आपको ये प्रोजेक्ट बना के देना है सर, उस पर जितने भी क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप हम उसको बताएंगे किस तरह हमें काम करना है डॉक्यूमेंटेशन में। आगे सर प्रपोजल रिक्वायरमेंट, सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रपोजल बनाने के लिए? सर इसमें पहले हम बताएंगे सर, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स यू आर प्रपोजिंग सर, इसमें सबसे पहले हमारा डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है प्रपोजल का। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या कहते हैं प्रपोजल बनाते हैं। और इसमें सर कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसमें सबसे पहले सर कवर पेज आया था आपका, जैसे सर हमने आपको रिपोर्ट दी थी उसमें हमने बना के दिया था, अगर आपने वर्ड की रिपोर्ट देखी हो सर। उसमें फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स आते हैं सर, अगर जैसे हमें इनिशियली किसी मेन सर प्रपोजल, आपको पता है छोटा प्रपोजल तो होता नहीं बड़े प्रोजेक्ट्स का, तो बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब सर टेबल ऑफ कंटेंट्स इसलिए बनाया जाता है कि अगर हमें किसी चीज़ पे डायरेक्ट जंप करना है तो हम उससे नंबर से लिख के डायरेक्ट जंप कर सकते हैं उस जगह पे, टेबल ऑफ कंटेंट्स इसलिए हम बनाते हैं। फिर सर जैसे हम अब जैसे किसी फर्म के बनाए सर उसका इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जैसे हमें प्रोजेक्ट जैसे हमारा ब्लड बैंकिंग का है, ये ब्लड सर्विसेज का, सर हम पहले इस पर इंट्रोडक्शन देंगे कि सर बताया जाता है कि प्रोजेक्ट क्या है, क्यों है और किस बारे में बता रहे हैं, किस लिए हम इस पर काम कर, उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सर प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम है और किस लिए हम इसको बना रहे हैं। फिर इसका हम सर प्रपोज सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं पूरे उसमें प्रपोजल में। फिर सर उसकी स्केड्यूलिंग करते हैं कि कितने टाइम में बनेगा या सर कितने एम्प्लॉयज में क्या क्या काम करेगा सर, कि मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, उसके नीचे एम्प्लॉयज क्या करेगा सर, डेवलपर क्या करेगा, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। फिर सर उसके बजट मैनेज किया जाता है कि कितने बजट में बन जाएगा, कि बजट के बाहर तो नहीं जा रहा और सर टाइम प्रपोजल में। जी सर, सर बजट तो सर मेन काम होता है, अगर बजट के बाहर आएगा तो सर लॉस में चले। जी सर, फिर सर ये क्या कहते हैं ये सब चीज़ आती है, फिर सर एंड में कंक्लूजन आता है आपका, एंड में कंक्लूजन आ जाता है सर। सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव कवर शीट, वन ऑफ द इजिएस्ट वेज टू मेक अ कवर शीट इज टू यूज फॉर फोटोग्राफ, बी श्योर टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू इज नॉट यूजिंग योर ओन पिक्चर टू टेक अ वाइड स्पेस। सर सबसे पहले टॉपिक का नाम बता देते हैं कवर पेज में कि क्या हम बना रहे हैं, और सर इसमें कौन कौन से जो डेवलपर है उसका नाम, कंपनी का नाम क्या, अभी कंपनी का नाम क्या है, किसको हम दे रहे हैं सर उसका नाम, ये सब चीज़ें सर कवर पेज के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है सर। सर टेबल ऑफ कंटेंट्स, सर ये भी मैंने आपको बता दिया, टेबल ऑफ कंटेंट से यूज करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट होता है। सही है जी सर। ठीक है सर, डिक्लेयर द प्रॉब्लम सर ऑलरेडी सब चीज में उसमें आपको कंसाइसली बता चुका हूं, डिक्लेयर द प्रॉब्लम सर वही हम क्या कहते हैं प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, व्हाट इफेक्ट डज द प्रॉब्लम हैव, ये तीन का क्या मतलब सर? ये दाऊद बताया सर, इसकी परमिशन दाऊद ने की थी। दाऊद एक मिनट सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है।
दाऊद इसका क्या मतलब है? ये आपने लिखा है कि डिक्लेयर द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है. व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, व्हाट इफेक्ट. सर मैंने आपको बताया था ना कि वो कंपनी का कोई प्रॉब्लम, मतलब हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हम एज अ डेवलपर तो हम लोग ज्यादातर लोगों को सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं. आप अपने प्रपोजल का प्रॉब्लम बताइए जिस पे आप काम कर रहे हैं. जो हमने ब्लड ब्लड सर्विस एप्लीकेशन था, ब्लड सर्विस स्टेशन का पूछ रहा है सर आप. हाँ मैं इसी का पूछ रहा हूँ. वो जो आपका पूरा टॉपिक है उसको जरा इन तीन पॉइंट्स पे फिट कीजिए जरा. सर व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, लोगों को आपस में कम्युनिकेशन नहीं है. लोग मतलब अगर कोई हॉस्पिटल में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको ब्लड की जरूरत है, तो वो बहुत मुश्किल से आगे पीछे से कम्युनिकेट कर पाता है. तो हमने ये एप्लीकेशन इसलिए बनाई है कि लोग ये तो प्रॉब्लम हो गया. अगला पॉइंट है व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब है? उसी ब्लड वाले को फिट कीजिए इस पे. सर व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, इसको ब्लड में इस तरीके से करेंगे कि चलिए तो ऐसा अगर देखा जाए तो नेचुरल भी हो रहा है ना, क्योंकि जो बीमारी है जो ब्लड कैंसर नहीं, है. प्रॉब्लम प्रॉब्लम की वजह क्या बन रही है? प्रॉब्लम की देखिए, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ब्लड नहीं मिल रहा, ठीक है. वजह क्या बन रही है उसकी? वजह ये है कि सर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती इस मामले में. हाँ ये व्हाट इज द कॉजिंग, कहीं हमारे ब्लड बैंक्स नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, या कोई सपोर्ट नहीं है, ये कॉज है प्रॉब्लम. सपोर्ट नहीं करते सर, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जी. और तीसरा व्हाट इफेक्ट्स डज दिस प्रॉब्लम हैव, इस प्रॉब्लम का असर क्या हो रहा है लोगों को, असर क्या हो रहा है? सर जानी नुकसान हो रहा है. गुड, तो ये इस तरह फिट करते हैं. यानी जब आप अपना प्रपोजल बनाएंगे तो उस पे पहले बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, वो आपने बता दिया. कॉज क्या है, वजूहात क्या है कि इफेक्टिव कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई इसके अंदर जो है वो एक गैप है, ब्लड बैंक्स नहीं है, ये वजूहात हैं. फिर आप बताएंगे व्हाट इफेक्ट डज दिस प्रॉब्लम है, इसके इस प्रॉब्लम से लोगों पे असर क्या हो रहा है, यानी ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इससे असर क्या हो रहा है, ये सारी बातें. इससे असर क्या हो रहा है लोगों की, जब ब्लड जरूरत होता है तो उनको ब्लड नहीं मिलता, जिसकी वजह से डेथ्स हो जाती हैं. इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खुदा ना खास्ता वो कौन सा बीमारी होती है, वो एस्थीमिया क्या होता है, वो थैलेसीमिया. उसमें मुस्तकिल ब्लड की जरूरत होती है. तो अब ये क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इससे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोगों को क्योंकि ब्लड टाइम पे नहीं मिल रहा, वजूहात आपने बता दी, फिर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फिर लोगों की इस पे डेथ हो रही. तो इसी को सामने रख के ना आप अपना FYP का प्रपोजल बनाएंगे. चले आगे चले. यस सर, बना लिया हमने, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, वो आप देखिएगा कैसा बना. ठीक है सर, नेक्स्ट करते हैं. सर नेक्स्ट है सर प्रपोज सॉल्यूशन. सर इसके अंदर हम जो हमें आगे प्रॉब्लम रिक्वायर्ड होती है हम उसके सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं. ठीक है, जैसे कि अब मैं अपने ये प्रपोजल में बताता हूँ जो हम लोगों ने FYP के लिए बनाया है, कि हम लोगों ने वो देख के इसलिए बनाया है कि लोग सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फेसबुक पे देखता था कि लोग पोस्ट लगा रहे थे कि B+ पॉजिटिव रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप, तो हमने उसके सॉल्यूशन के उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया. जबरदस्त, यानी पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर आपने प्रपोज सॉल्यूशन बताया कि हम भाई इसको एक चैनलाइज्ड करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बना देंगे जिसपे लोगों को अवेलेबिलिटी उसकी पता चल जाएगी. हमने सर इसके बारे में सर ब्लड बैंक से भी बात की थी उसमें एक्सेस लेने के लिए. ठीक है सर, हमारी एप्लीकेशन इंशाल्लाह सर ऑडियंस गैदर करने के लिए होगी, इसी काम के लिए. गुड, अच्छे खासे लोगों की जान चाहिए. ठीक है, लास्ट में मैं कंक्लूजन आया था. कंक्लूजन है सर, ये कंक्लूजन क्या है, क्या कंक्लूड करते हैं आप प्रपोजल सर? मैं बताऊं या अब्रार? जो बता दे, दोनों में से कोई एक बता दे. अब्रार बता दो सर. हम क्या कहते हैं इसमें, अपने प्रोडक्शन को मिरर करते हैं और इसको ब्रीफली रैप करते हैं, मतलब पूरा हम कंप्लीट करके एक पूरा प्रपोजल बना देते हैं, इसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन किसी प्रोजेक्ट बनाने में क्या यूज हो रही है उसको देखते हुए सर हम इसको प्रोजेक्ट को काम करते हैं सर. इसमें यही है बस, और सर इसमें सारी स्केजुलिंग हो जाती है सर, कॉस्ट मतलब सब सर सब काम इसमें स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं बस. इसका ये कंक्लूजन है सर, पूरा प्रपोजल बनाने का. सर समराइज कंक्लूजन में ये करते हैं, समराइज कर देते हैं सारे की इंफॉर्मेशन को और आखिर में एक लाइन लिख देते हैं कि अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप इस प्रपोजल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. मुझे बताना नहीं आ रहा लेकिन आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है आपने रिसर्च अपने प्रपोजल को सही डिफाइन किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें शुरू में ना आप ये बता देते कि प्रपोजल डेफिनेशन देते और दूसरा प्रपोजल की डेफिनेशन ऊपर ये देखें ना. ठीक है
और प्रपोजल की टाइप्स कितनी ये नहीं बताई आपने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रपोजल आर देयर? फाइनल प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है, रिसर्च प्रपोजल होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है। सर देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रपोजल, सर हर टाइप के प्रपोजल बन सकते हैं सर, आपको बस आपका क्या टाइटल पता होना चाहिए कि टाइटल क्या है आपका। सर वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, हम कितनी टाइप सीखते हैं सर? नहीं कितनी टाइप के तो मेजर मेजर टाइप्स बता देते, जैसे आप लोग स्टूडेंट है ना तो खासतौर पे रिसर्च रिसर्च प्रपोजल को आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए था। बहरहाल अच्छा ठीक है, ओके फिर थैंक यू आपका। और बाकी कोई और प्रेजेंटेशन चले? अच्छा ठीक है, और कौन है? ओके सर थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर। मैं बूस्ट आपको सर आप वजी और सर आप वजी और दानियाल की ले लें सर, आप दे दें मुझे। ज़ुएब भी है सर, मैं आपको दे दूं एक्सेस का, आप मुझे दे दें फिर मैं इनको दे देता हूं। ओके सर, मोहम्मद उसामा अब रहा ये सर से ईमेल लेके सर को सेंड कर दो, और सर ने जो चेंजेस कही है ना वो भी करके सेंड कर दो सर को। सर चेंजेस बता दें, चेंजेस हाँ चेंजेस देखें जब भी कभी आप कोई हेलो जी सर आवाज आ रही है आपकी। अब रात जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनाओ तो उसको ना अट्रैक्टिव बनाओ, मतलब कहने का मकसद ये है आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो लोगों का दिल हट जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि सर प्रोफेशनल बनाइए सर, मैंने जानबूझकर सर से पिक्चर्स में डाली सर, वो बहुत अजीब सा बन जाता है। गोलागंडा नहीं बनाया जी सर, मैंने सर प्रोफेशनल रखे जैसे सर कंपनीज वगैरह में किसी। देखें अब मैं आपको बताऊं, जब तक आप पिक्चर्स नहीं डालेंगे ना, पिक्चर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप साइड में एक हॉरर पिक्चर डाल दें या भूत की तस्वीर डाल दें, तो वो ये है कि पिक्चर जैसे कवर पेज है या टेबल ऑफ कंटेंट है, प्रपोजल है तो एक छोटी सी एक क्या कहते हैं किताब सी डाल दी या प्रपोजल की डायग्राम डाल दी जो इंटरनेट पर मिल जाती है, तो उससे लोगों को ना इंट्रैक्शन रहता है। ठीक है ओवर ना हो जाए इसलिए मैंने नहीं लगाई वो। ठीक है अच्छा, अब ग्रुप नंबर कौन है नेक्स्ट? सर मैं वजी आलम को क्या कहते हैं दे रहा हूं, ठीक है सर। 10 वजी दानियाल जुएब। हां सर वजी और दानियाल की ले लें सर, ये भी सॉफ्टवेयर की नहीं है जी सर, अब हमारी ले लें सर। मैं सीएस का हूं, वजी सॉफ्टवेयर के। अच्छा दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसने साथ मिला के बनाया जी सर, क्योंकि मेरा ये बैच नहीं है ना सर, सीनियर हूं मैं। तो आप नाम मुझे बता दें सर। दानियाल जावेद। दानियाल सर, दानियाल जावेद, वजी आलम और हाफिज जुएब। वजी आलम और हाफिज जुएब। यस सर। ठीक है सर, आपकी इजाजत है मैं लीव कर दूं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर बैठना तो बैठे इसी के अंदर। नहीं नहीं थैंक यू सर। तो मुझे तो होस्ट बना दे, होस्ट बना दिया अबरार? नहीं सर अभी तो होस्ट नहीं बना है, तो होस्ट बनाओगे तो मैं आगे दूंगा। फिलहाल मैं ज्यादा थोड़ी देर में बात करता हूं, आप मुझे दोगे तो फिर मैं वजी को बनाऊंगा। एक मिनट सर, एक मिनट अल्लाह से थोड़ी देर में बात करता हूं सर, अल्लाह हाफिज़, मैं थोड़ा बिजी हूं जी। सर क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूं आप मुझे होस्ट वापस बनाओगे तो फिर मैं वजी को एक्सेस दूंगा। मैंने बनाया तो था। नहीं होस्ट सर आपका है, मोहम्मद उसामा है ना सर आप? हाँ ये लिखा है ना वो होस्ट तुम्हारे नाम के आगे। देखिए सर हाँ आप बनाए, अब मैं किसको बना दूं? सर मुझे बना दिए वजी। वजी आलम। यस सर। सर जो गलतियां हुई सर नेगलेक्ट कर दिया सर, मार्क्स सही दे दिएगा सर, जीपीए लेनी है। अच्छा ठीक है उठा लो। क्या उठा लो भाई, बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा भाई आगे ये वजी अभी। अच्छा वजी आलम होस्ट बन गए, आप स्टार्ट करें वजी। ठीक है सर। परचेज ऑर्डर, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं स्टार्ट करूं? हाँ स्टार्ट करें।
यू हैव ओनली 10 मिनट्स सर, ये तो 10 मिनट बाकी है एंड होने में, तो तुमने कितने 50 मिनट की बनाई है क्या? सर चले आपको 10 मिनट में दे दें। अस्सलाम सर, मेरा नाम अजी आलम है और हमारा टॉपिक जो है वो परचेज ऑर्डर कंटेंट है। जोहेब मलिक और दानियल दर जो मेरे ग्रुप मेंबर है। सर बेसिकली अगर परचेज ऑर्डर कंटेंट की बात करें तो सर ये नाम से डिफाइन है कि परचेज ऑर्डर मीन्स के जस्ट लाइक अ ऑर्डर। सर अगर मैं बात करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सर परचेज ऑर्डर जो होता है वो अगर किसी ऑर्डर की हम बात करते हैं सर, सपोज कि अगर कोई एग्जांपल लेता हूँ कि सर आप आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। सर जैसे परचेज ऑर्डर की बात करते हैं तो सर एक जस्ट लाइक का ऑर्डर होता है कि सर अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और सपोज कि अगर आप इसमें अगर कोई रेस्टोरेंट है उसमें गोश्त की कमी आ जाती है तो सर अगर आप मुझे अगर मैं वेंडर हूँ तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी कह सकते हैं कि वजी इतने किलो गोश्त पहुँचा दो, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपके कॉल पे वो चीज़ को पहुँचा सकता हूँ। पर सर ये परचेज ऑर्डर जो होता है वो नॉर्मली रेस्टोरेंट ये छोटे मोटे पैमाने पे हम परचेज ऑर्डर यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कोई मुझे दुकान से कोई छोटी चीज़ भी लानी है तो उसके लिए मैं परचेज ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है, सपोज कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सर, अगर आपकी कोई आइसक्रीम की बड़ी शॉप है, ठीक है सर, अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है बड़ा और आपको ऑर्डर मिला आइसक्रीम का, ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेंगे। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो चीज़ ही नहीं है जो चीज़ आपको प्रोडक्ट बनानी है। तो सर सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने वेयर हाउस में चेक करेंगे। अगर वेयर हाउस में वो चीज़ नहीं तो वेयर हाउस वाले कॉन्टैक्ट किससे करेंगे, वेयर हाउस या जस्ट लाइक स्टोर, वेयर हाउस वाले कॉन्टैक्ट किससे करेंगे, परचेज वाले से कॉन्टैक्ट करेंगे। अब परचेज वाले के पास क्या होता है सर, बहुत सारे वेंडर्स के कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि वो बाय एक दूसरे को वो शेयर कर रहे होते हैं कि मतलब आप ऑर्डर इसको देंगे। तो सर परचेज वाले क्या करेंगे कि हम एक परचेज ऑर्डर बनाएंगे जो हमारा टॉपिक है, वो परचेज ऑर्डर में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हमें जो नीड है हमारे प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, और वो कब डिलीवर होगा और कितने टाइम में डिलीवर होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इसका फ्लेवर क्या होगा, एक्स वाई जेड सारी चीज़ें वो क्या करेंगे सर, वो अपने वेंडर को देंगे। फिर वेंडर क्या करेगा, उसी डिटेल्स के मुताबिक क्या करेगा, वो दोबारा रिटर्न कर देगा स्टोर को। तो सर रिटर्न स्टोर को करेगा और स्टोर दोबारा क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉरवर्ड कर देगा, फिर जाके वो चीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो सर ये मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर मैं इसको इंट्रोडक्शन की बात तो मैंने बताया, परचेज ऑर्डर और कोटेशन में क्या फर्क हुआ वजी? परचेज ऑर्डर और कोटेशन में क्या फर्क हुआ सर? आपकी आवाज नहीं समझ पाया, दोबारा से कहिए। मैंने कहा पीओ, परचेज ऑर्डर पीओ कहते हैं ना, तो परचेज ऑर्डर और कोटेशन में क्या फर्क होगा सर? कोटेशन तो परचेज तो जस्ट लाइक ऑर्डर है सर, और कोटेशन वो होता है कि हम लोग जैसे किसी चीज में अपलोड कर रहे होते हैं तो हम लोग उसमें कैप्शन लगा रहे होते हैं, तो कैप्शन भी कंटेंट नहीं, कोटेशन का ना, कोटेशन भी तो सर वही चीज है। नहीं कोटेशन हम लोग किसी को रिमार्क के तौर पे दे रहे होते हैं। अरे नहीं वो वाली परचेज ऑर्डर क्या होता है, एक सुने वजी, मैं वो वाली कोटेशन नहीं कह रहा, मैं कोटेशन कह रहा हूं कि मैं कोटेशन ही कह रहा हूँ कि आपने, मैंने कोई चीज लेनी है, फर्ज किया मैंने अपनी लेबोरेटरी खोली है कंप्यूटिंग की, कंप्यूटर रखना चाह रहा हूँ बहुत सारे, मैं कंप्यूटर लैब बनाना चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, तो मैं मुख्तलिफ जगहों से रेट्स लूंगा, ठीक है, तो मैं कोटेशन मंगवाऊंगा मुख्तलिफ वेंडर से, भाई आप अपनी कोटेशन भेजें। तो पीओ और कोटेशन में क्या फर्क होगा? कोटेशन उसे कहते हैं, मैं वो कोटेशन वो वाली नहीं कह रहा कि मेरी बात समझ रहे हैं आप, जैसे का फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं ना। हाँ मैं कोटेशन की बात कर रहा हूँ, यानी आप जो है सर मैं बता दूं जी की जगह, जी बताते हैं सर, दानियल भी बता रहे हैं सर कोटेशन। सर अगर आपको सर बहुत चीज लेनी है कोई, जैसे आपको कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो सर आप उसमें कोटेशन लेंगे कि ये इसके प्राइस क्या है, इसके प्राइस क्या है, और सर ये जो है जी सर, नहीं प्राइस कम नहीं सर, ये तो आप एक कोटेशन ले रहे हैं ना, आप हर दुकान से लेंगे कोटेशन की सर इस चीज के प्राइस क्या है, इस चीज के प्राइस क्या है, सर आपको कोटेशन दे देंगे। पीओ तो सर ये है आपकी सेल रिसिप्ट की टाइप है, उसमें पीओ ऑर्डर आपका नंबर होगा, ऑर्डर नंबर वगैरह ये सब होगा, यानी आपने एक चीज परचेज करनी है तो उसके अगेंस्ट एक पीओ प्रोड्यूस करेंगे आप। जी सर बिल्कुल, गुड, तो ये पूछना चाह रहा था मैं, सही रिस्पांस होता है एक तरह से, ठीक है आगे। सर इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सर इसके बहुत, हाँ
सर इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे पास इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि जैसे सर अगर मैं कोई चीज़ कॉल पे बता देता हूँ कि ये इतनी लिया क्वांटिटी लिया, तो हमारे पास एक प्रॉपर डिटेल नहीं होती, तो पीओ या परचेस ऑर्डर के थ्रू हमारे पास एक पूरी डिटेल मौजूद होती है कि हमें क्या चीज़ मंगवानी, कितने बजे मंगवानी है और किस टाइम पर डिलीवर करनी है। और अगर और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो सर हेलो जी जी सॉरी सर खांसी आ गई थी सर। तो परचेस ऑर्डर के मतलब बेनिफिट्स बहुत सारे कि हमारे पास एक प्रॉपर डिटेल होती है, और इसमें सर ये पीओ नॉर्मली तब यूज़ करते हैं ताकि जैसे सर सिस्टम जो हमारा है वो एक डिजिटलाइज हो जाए, क्योंकि सर अगर नॉर्मल अगर अगर हम नॉर्मल अगर मुंह से बात करें या वर्बली बात करें तो वो सर वो एक इतना एफिशिएंट नहीं रहता है। कुछ कह रहे हैं सर? ठीक है मैंने कहा सही है, सिग्निफिकेंट नहीं होती वो बात अगर हम खाली पीओ प्रोड्यूस नहीं करेंगे ना, तो उसकी सर हम अपने कंपनी की रेपुटेशन या फिर एक उसको और एफिशिएंसी के लिए हम नॉर्मली परचेस ऑर्डर यूज कर रहे होते हैं और पूरी ओवरऑल डिटेल के लिए। सही है, आगे नेक्स्ट। यू हैव ओनली 3 मिनट्स मोर। यहां से ज़ुहेब कंटिन्यू करेंगे, ज़ुहेब या दानियल भाई जो। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सर कर रहा हूं कंटिन्यू। ठीक है, इसको जल्दी जरा गो थ्रू कीजिएगा। दानियल सर, ये टाइप्स ऑफ परचेज ऑर्डर हैं सर, इसमें ये चार टाइप्स है सर, इसकी स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर्स, प्लान परचेज ऑर्डर्स, ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर सर, और ये कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर्स हैं सर। ठीक है वजी, आगे करो वजी। एक मिनट वजी, टाइम कम है, मैं कर रहा हूं। और हैंग चल रहा था सर। सर ये वर्किंग है सर, ये परचेज ऑर्डर वर्क कैसे करता है सर? सर इसमें स्टेप्स सर ये हैं, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द परचेज ऑर्डर। बगैर पढ़े बताओ मुझे क्या वर्किंग कैसे करता है, बगैर पढ़े कि क्या आप बताना चाह रहे हैं मुझे जल्दी। सर जो पहले सर इसमें होगा सर, इसमें डिपार्टमेंट या कंपनी जो सर नोटिफाई करेगी मैनेजमेंट को कि उन्हें क्या क्या चीज परचेज करनी है। ठीक है सर, चीज रिक्वेस्ट फॉर्म होता है सर वो इशू करेंगी। और सर इसका सेकेंड स्टेप होता है, अगर डिपार्टमेंट अप्रूव कर देता है। ठीक है सर, उसमें बताते हैं फिर कि परचेज में सर क्या क्या है। और सर उसके बाद फिर वेंडर के पास परचेज ऑर्डर जाता है, उसमें सर फिर वेंडर अप्रूव करेगा, फिर आपके पास आगे जाके ये आपका जो ऑर्डर होगा वो आपको डिलीवर होगा। ठीक है वजी, आगे करो। वजी से पीछे होगा, तुमने दो आगे कर दिए, दो स्लाइड्स आगे करती हैं। एक ही आगे किया, नहीं इसके बाद कुछ स्लाइड नहीं है, वर्किंग के बाद फैसिलिटीज है। सही फैसिलिटीज सही है। हाँ वो सेफ को यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, ये ट्रेड फाइनेंस के लिए सर जो फैसिलिटीज होती हैं सर वो हैं बिफोर शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटी, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटी, ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी, फॉरेन बिल परचेज क्रेडिट फैसिलिटी, बिल रिटायरमेंट क्रेडिट फैसिलिटी, ऑर्डर कंफर्मेशन फॉलो अप सर, ये सब इसमें आता है। जी आगे करो सर। इसमें अब इसमें बताया हुआ है कि परचेज ऑर्डर सर लिखते कैसे हैं सर। गुड गुड। इसमें सर लेटर हेड होता है, उसमें बिजनेस आपकी कंपनी का नेम होता है, लोगो होता है, एड्रेस, टेलीफोन एंड ईमेल एड्रेस, और अगर वेब एड्रेस है तो वो भी होता है सर। एक परचेज ऑर्डर नंबर होता है सबसे मेन होता है। ठीक है। और सर परचेज ऑर्डर की डेट होती है कि किस दिन ऑर्डर आपने दिया है उसकी डेट होगी सर। वेंडर का रेफरेंस नंबर होगा। और सर इसमें पेमेंट टर्म्स भी होंगे सर, कैश है, चेक है, पीओडी है सर, ये सब होगा। और कस्टमर और क्लाइंट का नेम एंड एड्रेस होगा। और सर ये टोटल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, और सर ये टैक्स वगैरह के साथ है, टैक्स के विदाउट है सर, ये सब इसमें दिया हुआ होगा। और डिलीवरी डेट होगी कि किस दिन डिलीवरी होगी आपके इस ऑर्डर की। सर ये आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है आगे। ज़ुहेब भी आ गया, आप कंटिन्यू करो। जी सर, सर वजी एक स्लाइड पीछे करना। सर ये परचेज ऑर्डर वाली स्लाइड से सारी चीज कंटिन्यू चल रही थी, ये सर उसके लेटर डाली जो बन रही होती है कि क्या फॉर्मेट है उसका, सारी चीजें हैं पर कहते हैं उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। वजी लेफ्ट साइड करो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी